एवरीवन, माय नेम इज साक्षी अग्रवाल, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास बीस्ट। और आज हम लोग आए हैं सेक्टर 12 नोएडा में अग्रवाल कचौड़ी वाले के यहाँ, जिनकी कचौड़ियाँ बहुत फेमस हैं। और मैंने सुना है कि कचौड़ियों के साथ साथ जो यहाँ का राजमा चावल है और कढ़ी चावल वो भी फेमस है। तो चलिए आइए पता करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या आइटम अवेलेबल हैं और उसको हम खाएंगे और फिर बताऊँगी मैं आपको कि मुझे कैसा लगा। आइए। बात की होगी तब नहीं तो नहीं भाव डाल दे बस खाली बिल्कुल भी आइए बेटा। ये जो पहले दबाव जी जाओ तीन हाफ बढ़ जाओ बेटा खाने के लिए, जाओ तीन हाफ बढ़ जाओ खाने के लिए। एक राज खाना क्या जी, एक राज पैक कर बैठे जरा, दो मिनट पैक कर जरा मैडम, चावल खाना है एक मिनट। कड़ी राजो मिक्स कर लेंगे, कड़ी राजो मिक्स कर दो ठीक है जी। सिंगल डबल राजा पैक कपड़े राजो मुझे देगा बड़ा कर, दो मिनट पैक कर जरा पैक करने में, तीन राजो पैक कपड़े जरा कड़ी राग बड़े चार राग रखा बेटा बढ़िया। इसमें कई डाल देना पड़ेगा तो एक राग का पैक आ जी को, तो एक में तीन पैक है राग का आप बेटा बेटा आप बताइए भाई एक हाफ बजे खाने का जो सिंगल बेटा खाने जरा मेरे सिंगल आप बेटा खाने का जरा तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के ऑनर से और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये अग्रवाल कचौड़ी जो वाले हैं इनकी जो कचौड़ियाँ इतनी फेमस है उसका राज क्या है। तो आइए। हेलो सर, क्या नाम है आपका? विशाल सर। आपके आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सर आप थोड़ा मुझे बताएंगे ये अपने अग्रवाल कचौड़ी वाले जो हैं ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 2003 से स्टार्ट हुआ है। 2003 से स्टार्ट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 19-20 ईयर्स होने वाले हैं इधर। ओके, और सर आपको ये आइडिया कैसे आया? आइडिया का ये बस स्टार्टिंग करी थी तो कचौरी सब्जी से ब्रेड पकौड़े से स्टार्ट करी थी, उसके बाद फिर कढ़ी चावल चालू कर दी क्योंकि तो हमारी मम्मी बनाती हैं सारा सामान ये, तो अच्छा लगा तो हमने भी आलू चालू कर दिया क्योंकि वही ना, क्योंकि कचौड़ी ये जो भी है मतलब कढ़ी चावल और राजमा चावल ये यूजली हम लोग घर में ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जब आपको मालूम पड़े कि ये ऐसे सेंटर्स में भी हमको खाने के लिए मिलता है तो ये एक अलग ही। और मुझे एक चीज़ ये भी जाननी है कि ये हमारे घर की कढ़ी चावल से कैसे डिफरेंट है और मतलब क्या स्पेशल है यहाँ पे इसमें? बस थोड़ा बनाने का तरीका जी, हर आदमी इतनी चीज़ नहीं लगा पाता जो हम लगा देंगे। अच्छा, दही जमाना, घर की दही जमानी, लोबा बाहर की दही जमाते तो मज़ा आएगा नहीं आएगा, जैसे मान लाओगे वैसे ही उस का टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, ओके। और ये जो आपकी कचौड़ी है तो आप कचौड़ी आलू की सब्जी के साथ मतलब कचौड़ी कैसे बनाते हैं, किस चीज़ की कचौड़ी रहती है? कचौड़ी तो मैदा की होती है, बाकी स्टफ अंदर दाल भरी जाती है, साथ में अपना आलू सब्जी है ही। ओके। तो फिर आज आप मुझे क्या क्या टेस्ट कराने वाले? सब चीज़ कराएंगे कि कर गए सब चीज़ ठीक है। तो आप मुझे फिर खिलाइए और मैं खाऊंगी और आपको बताऊंगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड कितना है कि उतना पैक करके भी लोग लेके जा रहे हैं
तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी डिमांड है इसकी। तो मैं भी सोचूं कि मैं भी जल्दी से खाऊं और आपको बताऊं कि जो कचौड़ी और ये जो दाल राजमा चावल दाल चावल कढ़ी चावल राजमा चावल इसका टेस्ट कैसा है। ये भी मिलता है यहाँ पे, और कैसा लगा आपको? बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ओके ग्रेट ग्रेट। तो क्या लेते हैं यूजुअली आप लोग खाने में? कढ़ी चावल, राजमा चावल, दही भल्ले भी खा रहे हैं। तो यहाँ का मतलब खाना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, देख ही सकते हैं आप लोग। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है कितनी भीड़ है, मतलब मैं जब से देख चुकी हूँ आई थिंक 50-60 जो ऑर्डर है मेरे सामने जा चुके हैं विद इन अ मिनट। हेलो सर, क्या नाम है आपका? आप दोनों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोगों ने क्या लिया यार? कढ़ी चावल। तो आपको कैसा लगा इसको खा के? बढ़िया, कढ़ी चावल वेरी स्पाइसी एंड बहुत टेस्टी है। हम राजस्थान के लिए कढ़ी चावल खा रहे हैं, बहुत टेस्टी होता है इसमें। भी राजस्थान में कढ़ी चावल ज़्यादा फेमस है, मतलब अगर 2.5 साल से आ रहे हैं इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि आपको वहाँ का ही अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लोग आ रहे हैं। आपको हम बात मत कर दी, जाते नहीं हम यहाँ ऑफिस से, हम लाइन चार्ज कर रखते हैं, हमें 3-4 दिन लाइन चेंज करते हैं। और यहाँ एक रोड मिलती है कचौड़ी, हाँ आलू कचौड़ी है, वो भी बहुत टेस्टी है। और तो हर दिन में हरी चटनी डाल के देते ना, वेरी मज़ा मज़ा बांध देती है। आप इंजॉय कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बात ही बहुत अच्छा होगा। ओके, तो आप अभी क्या लगा रहे हैं मेरे लिए? ये जी आपके लिए एक मिक्स चावल है, इसमें कढ़ी और इसके ऊपर राजमा आलू सब डलेगा। अच्छा अच्छा ओके। हाँ जी ओके, तो ये है हमारा कढ़ी राजमा, कढ़ी राजमा और आलू भी दे रहा हूँ जी मैं। ओके, ये आलू है जी, ये आलू हो गए, ये ग्रीन चटनी, ये मेथी की चटनी, ये ओके, ये क्या है, कौन सा मसाला है ये? और आपका चाट मसाला। अच्छा ओके, अचार है ये, ये स्पेशल डिश आप खाइए। ओके चलिए, तो ये मेरी स्पेशल डिश तैयार हो गई है इसको हम खाते हैं और मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसे। ओके ग्रेट, आप देख सकते हैं कि हमारा फूड आ गया है, हमारी कचौड़ी सब्जी आ गई है और राजमा चावल और कढ़ी चावल आ गया है। तो अब हम इसको खाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसा लग रहा है। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, मतलब कह रहा है कि मुझे कह रहा है खा लो कचौड़ी वही काफ़ी खस्ता है। जो आलू की सब्जी है ना उसमें ना एक ऐसा जैसा बोलते हैं भंडारे वाली सब्जी, ऐसा लग रहा है कि कचौड़ी हम है ना भंडारे वाले आलू की जो सब्जी होती है उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम हमारे राजू चावल ट्राई करेंगे हम, जो आप देख सकते हैं उन्होंने में ग्रीन सब्जी ग्रीन चटनी भी डाली हुई है। हम लोग खा सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग हफ्ते में एक या दो बार ही खा सकते हैं बाहर, पर हमको ऐसा दाल चावल या ऐसा कढ़ी दाल चावल बाहर मुझसे निकल रहा है, ऐसा कढ़ी चावल राजमा चावल मिले तो हम लोग हफ्ते में 3-4 बार भी खा सकते हैं और रोज भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकौड़ा बहुत सॉफ्ट ये तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और आपको खाने का
कचौड़ी सब्जी खा के हो गया है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया है। और अब मैंने जब इतना कुछ खा लिया है, कचौड़ी सब्जी, कढ़ी चावल, राजमा चावल, तो बिना मीठी के खाना कम्प्लीट होगा क्या? नहीं ना। तो देखिए आप लोग मेरे पास क्या है। ये देखने में बहुत सॉफ्टी सॉफ्टी सा लग रहा है, और मैं देखती हूँ ये वाकई में सॉफ्ट भी है यार। ये बहुत ज़्यादा है, एकदम बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे कचौड़ी सब्जी खा के, जो अपना राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, और ये डिलीशियस गुलाब जामुन खा के बहुत मज़ा आ गया। एकदम जो पेट है टनटनाटन हो गया है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है कि मुझे लगता है कि मुझे एक आध और ट्राई करना चाहिए। तो चलिए फिर वो मैं बाद में देखती हूँ, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ यार क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी हिट कर लीजिए, क्योंकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं तभी तो आपके तक पहुँच पाएंगे ना वो। तो चलिए मैं इसको इन्जॉय करती हूँ, अभी मेरी वीडियो को इन्जॉय करिए। बाय बाय, जल्द मिलेंगे हम लोग।